नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बनाएं गुड़ के लड्डू। इसे बनाने के लिए पहले आप सामग्री तैयार कर लीजिए, जितने जितने आपको सामग्री चाहिए। अगर आपने गुड़ के लड्डू बनाने हैं तो आप पहले 2 किलो बनाने हैं तो 2 किलो आटा ले लीजिए, पाइया देसी घी ले लीजिए, 1 लीटर तेल ले लीजिए और इसी के साथ 1 किलो गुड़ ले लीजिए। ठीक है, अब आपने कैसे बनाने हैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए पहले कढ़ाई में जैसे हमने आटा ले लेना, जो आटा ले लिया 2 किलो आटा, उसको भूनना है। लोहे की छानी होती है उसमें भूनना है, ऐसे रबिंग करनी है। ठीक है, वो जब कण निकल आएगी बारीक बारीक हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे ये दाना है एक, ऐसे ऐसे बारीक बारीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कण निकल गई, उसके बाद हमने उसको 1 दिन पूरा रखना है, पूरी मतलब नाइट स्टे करके रख देना है। नेक्स्ट डे हमने क्या करना है, कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना, घी वगैरह नहीं डालना, इसको ऐसे ही भूनना है कण को। जब वो लाइट ब्राउन हो जाए, मतलब हल्का रेड कलर का हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद उसको अच्छी तरह से निकाल के रख देना है साइड पे। उसके बाद इसको क्या करना है, कढ़ाई में हमने वो गुड़ होता है, जो गुड़ को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब उसकी तार सी बन जाएगी, ऐसे हम उसे देखते हैं, चेक करेंगे तो इतनी लंबी ऐसे ऐसे हमें शो करेगी कि तार बन गई है गुड़ की। जैसे ही वो तार बने, समझो आपकी पत्ती तैयार हो गई है, तो आपने जो कण निकाली थी साइड पे वो उसमें आपने डाल देनी है। उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपके गुड़ के लड्डू तैयार हो जाएंगे। आप इसमें बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट और चीजें भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको मैश कर दो, आपका गुड़ होगा और ये हो जाएगा तैयार। ऐसे ऐसे करके आप उसको मैश कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा गुड़ तैयार। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।